और फैब्रिक कपड़ा। पाकिस्तान नॉट ओनली मीट्स द नीड ऑफ पाकिस्तानी पीपल बट लार्ज पोर्शन ऑफ कॉटन इज एक्सपोर्टेड। जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान नॉट ओनली मीट्स द नीड ऑफ पाकिस्तानी, जो पाकिस्तान है वो नॉट ओनली मीट मतलब कि ना कि सिर्फ मिलता है, मतलब कि मिलना द नीड ज़रूरत ऑफ पाकिस्तानी पीपल। ये जो हम लोग मतलब कि जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इसमें ना तो सिर्फ पाकिस्तान के लिए किरदार अदा किया जाता है बल्कि उनसे ली जाती है, बट लार्ज पोर्शन ऑफ कॉटन लेकिन बहुत बड़ी तादाद में जुड़ी हुई है, इस एक्सपोर्टेड बरामद की जाती है तो अदर कंट्रीज दूसरे ममालिक से। पाकिस्तान अर्न्स अबाउट 60% ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जो पाकिस्तान है वो अर्न कमाते हैं अबाउट 60% ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मतलब कि जो गैर मुल्क के लोगों के साथ एक्सचेंज करते हैं, मतलब कि एक्सचेंज करना फिर उसके थ्रू उनको प्रॉफिट मिलना, 60% इस तरीके से हम लोग गेन करते हैं पाकिस्तान में बाय एक्सपोर्टिंग बरामदात के ज़रिए ऑफ कॉटन, रोइंग की थ्रेड एंड फैब्रिक्स, धागे और कपड़े की बिना पर। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ना है वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वुलन बोलते हैं उनको ठीक है। वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या है, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, आज का जो आज़ादाना टाइम है इसको मद्देनजर रखते हुए, देयर वाज ओनली वन वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, देयर वाज ओनली वन वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सिर्फ एक ही ऐसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उनकी। नाउ देयर आर 70 यूनिट्स वर्किंग इन पाकिस्तान, जिसमें आज के दौर में 70 यूनिट्स, ऐसे 70 यूनिट्स हैं जो वर्किंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं इन पाकिस्तान में, इन द हिली एंड सैंडी एरियाज, जो पहाड़ी और रेत के सहराली इलाके हैं, और पाकिस्तान में शीप एंड गोट्स, शीप भेड़िए एंड गोट्स और बकरियाँ आर रेयर्ड फ्राम विच फ्लीस इन ऑब्टेंड एंड डिफरेंट प्रोडक्ट्स। हम लोग किससे गेन कर रहे हैं, ये उन जो शीप और गोट्स हैं ठीक है, विच फ्लेसिस उन्हीं इनसे हासिल की जा रही है। ऑब्टेंड आर डिफरेंट प्रोडक्ट्स, डिफरेंट प्रोडक्ट्स में आर मेड ऑफ आउट, जिनसे डिफरेंट किस्म के हम लोग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, और फिर सच एज शॉल्स, स्वीटर्स एंड ब्लैंकेट्स, स्वीटर्स एंड ब्लैंकेट्स और कंबल्स ठीक है। ये आज की आपकी रीडिंग है, अच्छे तरीके से आपने लर्न कर ली है। ओके, अल्लाह हाफिज़।